कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2019 का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। कांग्रेस का दावा है कि 1,60,000 लोगों को 12 देशों के एनआरआई और एक्सपर्टों की राय लेकर के यह घोषणा पत्र को तैयार किया गया है, जिसमें रोजगार, किसानों के साथ में स्वास्थ्य और गरीबों के लिए अहम वादे किए गए हैं, जिन्हें कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में लागू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि घोषणा पत्र से गरीबों को न्याय मिलेगा। जिसने चाहे मनरेगा हो, चाहे आज किसानों की कर्ज माफी हो, जो वादा किया था वो कर दिखलाया और आगे भी पूर्ण ईमानदारी के साथ पूछी नियत रखते हुए आज जनता का ये मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में और विशेष रूप से राजस्थान में कांग्रेस अपने इस जन मैनिफेस्टो के आधार पर लोगों का विश्वास और आशीर्वाद हासिल करेगी। आज कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र हमने रिलीज़ किया है, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की जो सोच है वो प्रदर्शित होती है और उन मुद्दों को लेकर जिसपे देश चिंतित है और आवाम उसके बारे में जानना चाहती है, उन मुद्दों को हमने रेखांकित किया है। 72,000 रुपये देश के 20% सबसे गरीब लोगों को देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी घोषणा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हम इसको पूरा करेंगे। 15 लाख खाते में जमा कराने वाला जो जुमला था, बनस्पत उसके हम लोगों ने वास्तविकता से अध्ययन करने के बाद साल भर की मशक्कत की है और फिर इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हर परिवार जो गरीब है उनको 72,000 रुपये प्रतिवर्ष हम लोग देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वादा है।